गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न एंड वेटेज ऑफ इंटरनल असेसमेंट मार्क्स। एज यू ऑल नो दैट ए कॉपी ऑफ सिलेबस हैव बीन सेंट टू ऑल ऑफ यू, सो ऑल हैव टू रीड द सिलेबस एंड राइट इन योर नोटबुक। टुडे वी डिस्कस अबाउट द ई बुक्स, टेक्स्ट बुक्स एंड रेफरेंस बुक्स विच कवर आवर कंप्लीट सिलेबस। So first is engineering mathematics for semester first and second। Students, ये आपका book का जो है title रहेगा। और one more thing, ये जो तीनों ही 1, 2 और 3 तीनों books हैं, इनकी आपको soft copy में आपको अभी WhatsApp पे attach करके send कर दूँगा, ठीक है? तो आप वहाँ से किसी भी book का soft copy में read कर सकते हो। Yes। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फॉर सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेकंड, जो फर्स्ट बुक आपकी, ये आपके टॉपिक को कवर करेगी लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का कंप्लीट पार्ट अपन इससे पढ़ेंगे। इसका जो ऑथर है वो है सीबी गुप्ता एंड पब्लिशर है इसका मेगरा हिल है। नेक्स्ट जो बुक होगी वो आपकी ए टेक्स्ट बुक, जिसका टाइटल है ए टेक्स्ट बुक ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेमेस्टर थर्ड। इसके जो ऑथर का नाम है वो है एनपी बाली एंड पब्लिशर इज यूनिवर्सिटी साइंस प्रिंस। इट कवर्ड द टॉपिक न्यूमेरिकल मेथड फर्स्ट, न्यूमेरिकल मेथड सेकंड एंड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। हियर स्टूडेंट्स, द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल दिस पार्ट इज अप्लीकेबल ओनली फॉर इलेक्ट्रिकल ब्रांच, नॉट फॉर सिविल एंड मैकेनिकल। ओके, एंड द थर्ड पार्ट इज टाइटल इज एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, हुज ऑथर इज डीन जी डफी एंड पब्लिशर इज सीआरसी प्रेस। इट कवर्ड द टॉपिक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, फूरियर ट्रांसफॉर्म एंड जेड ट्रांसफॉर्म। हियर स्टूडेंट्स, द टॉपिक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इज ओनली फॉर इलेक्ट्रिकल ब्रांच एंड फूरियर ट्रांसफॉर्म एंड जेड ट्रांसफॉर्म इज कॉमन फॉर ऑल ब्रांच लाइक सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। सो I will a PDF copy of all three books in your WhatsApp group. After taking class, you can solve multiple examples from using these books. Okay, so all have write these name of books, authors, publishers, and topic covered in your notebook. वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो कंप्लीट जो सिलेबस दिया हुआ है आपका टॉपिक कवर्ड, जिसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, न्यूमेरिकल मेथड फर्स्ट है, न्यूमेरिकल मेथड सेकंड है, फोरियर ट्रांसफॉर्म और जेड ट्रांसफॉर्म, ये आपके तीनों ब्रांचों के लिए है। ओनली एक ही टॉपिक है जो इलेक्ट्रिकल के लिए एक्स्ट्रा है, वो है आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। इस पार्ट टॉपिक को छोड़ के रिमेनिंग जितने भी टॉपिक हैं वो सभी ब्रांचों के लिए अप्लीकेबल है, लाइक सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। जहाँ पर थोड़ा थोड़ा इनमें अगर टॉपिक में कोई चेंजेस है वो मैं आपको ब्रांच वाइज अलग से सोल्व करके बता दूंगा, ठीक है? उसके अलग से लेक्चर लूँगा मैं। जो भी जहाँ पर भी चीज़ डिफरेंट आएगी, जैसे लाप्लास में, ट्रांसफॉर्म में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो ओनली फॉर सिविल एंड मैकेनिकल के लिए, तो वो सिविल और मैकेनिकल के लिए रहेंगे। कुछ टॉपिक्स हैं जो सिविल मैकेनिकल में की ब्रांच में हैं बट इलेक्ट्रिकल में नहीं है, या फिर इलेक्ट्रिकल में है वो सिविल मैकेनिकल में नहीं है, तो जो अलग अलग हैं वो आपको अलग अलग कराए जाएंगे, जो कॉमन है वो आपको कॉमन कराए जाएंगे, ठीक है? और न्यूमेरिकल मेथड फर्स्ट है वो सभी के लिए कॉमन है, न्यूमेरिकल मेथड सेकंड जो पार्ट है वो सिविल और मैकेनिकल के लिए तो एग्जैक्टली सेम है, और इलेक्ट्रिकल के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो आपको अलग से बताया जाएगा, ठीक है? फूरियर ट्रांसफॉर्म एंड जेड ट्रांसफॉर्म इज कॉमन फॉर ऑल ब्रांच, ओनली द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इज एडिशनल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रांच, इट विल बी कवर्ड सेपरेटली फॉर इलेक्ट्रिकल ब्रांच। ओके स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से तैयारी करनी है, और जैसे जैसे आपके लेक्चर कंप्लीट होते हैं उसके बाद में आप इन बुक्स का रेफरेंसेस से आप वहाँ से मल्टीपल नंबर ऑफ एग्जांपल्स को सोल्व कर सकते हो। और रिगार्डिंग दीज एग्जांपल्स, इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कॉल मी और कॉन्टेक्ट मी बाई व्हाट्सएप, और स्क्रीन शॉट यू कैन सेंड एनी थिंग टू कॉन्टेक्ट मी और can get your solution. Okay, thank you.